हेलो दोस्तों, हेलो गुड दोस्तों, इवनिंग, गुड कैसे इवनिंग, हो आप सब कैसे हो लोग। आप सब स्वागत है लोग। आपका स्वागत आज है की आपका हमारी आज नई की वीडियो हमारी में। नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक दोस्तों जरूर वीडियो को एंड देखें तक और एक जरूर लाइक देखें। जरूर आप करें। इम्प्रूव इम्प्रूव योर योर वोकेबुलरी। वोकेबुलरी आज आज इन के वेलकम वर्ड में हैं आपको अफ्रेट, बताएंगे एजिटेट, डिसोल्यूट, एनिक्सियस, डाइवर्स, एरो, डिफर, डिड्यूस, डिस्पोज, बैसेट, डोरमेट, साई, डिसेक्ट, सॉक, आर्ग्यू, वैक्स्ड एंड एरियल, वॉच। इनका कॉर्नम मीनिंग एंड हम आपको इस वीडियो इंडोर्स। में बताएंगे। अफ्रेट, डिसोल्यूट अफ्रेट डिसोल्यूट मतलब का होता मीनिंग होता है है दोस्तों भयभीत अवारा होना और और जिद्दी, अवारा डरना। जिद्दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एजिटेट, एजिटेट डाइवर्स, का मीनिंग होता डाइवर्स का है मीनिंग होता है विरोध विविध, और उत्तेजित विविध और करना। अनेक, विविध और अनेक। नेक्स्ट डिफर, डिफर का मीनिंग होता है दोस्तों अलग होना और पृथक, अलग होना और पृथक। नेक्स्ट डिस्पोज, DISPOSE, डिस्पोज का मीनिंग होता है निपटाना और समाप्त करना। नेक्स्ट डोरमेट, DWORMAT, डोरमेट मतलब होता है पायदान, डोरमेट मतलब होता है पायदान। नेक्स्ट डिसेक्ट, डिसेक्ट, DISECT, डिसेक्ट मतलब होता है काटना और चीरफाड़ करना। नेक्स्ट आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना और तर्क करना। नेक्स्ट एरियल, ARIEL, एरियल मतलब होता है पहाड़ी हिरन। नेक्स्ट कॉलम, कॉलम, COLUMN, कॉलम का मीनिंग होता है पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ। नेक्स्ट इन्फेस्ट, इन्फेस्ट मतलब होता है INFEST, इन्फेस्ट मतलब ग्रसित होना या हमला करना। नेक्स्ट ल्यूड, लिड, LEWD, लिड, लिड मतलब होता है अश्लील, अशिष्ट और भद्दा, अश्लील, अशिष्ट और भद्दा। नेक्स्ट है नेक, KNACK, नेक मतलब चतुराई और कुशलता, चतुराई और कुशलता। नेक्स्ट केचप, केचप, केचप मतलब होता है चटनी, चटनी। वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे फॉर यू, आज के वर्ड है दोस्तों आपके लिए नेव और अपोज, नेव और अपोज। इनका मीनिंग कमेंट में आपको बताना है, इनका मीनिंग आप जरूर बताएं। थैंक यू प्यारे दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें।